बेनीपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद बने इकबाल। नगर परिषद के चुनाव में जहां पहली बार मतदाताओं ने मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के रूप में इकबाल एवं राजीव को नगर का ताज सौंप दिया है, वहीं वार्ड में भी मतदाताओं ने बड़ी बदलाव कर दिया है। इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने पूर्व के 16 पार्षद अपने या तो परिजनों को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें 14 को जनता नकार दिया। वहीं दो पार्षद वार्ड 2 से नीरो देवी तो वार्ड 15 से राजीव लोचन ठाकुर को तीसरी बार मतदाताओं ने चुना। इस बार मतदाताओं ने नए चेहरे पर भरोसा जताते हुए वार्ड के विकास का जिम्मा थमा दिया है। वहीं वार्ड पार्षदों में वार्ड नंबर 1 से भगवान बाबू राय, वार्ड नंबर 2 से नीरो देवी, वार्ड 3 से इंदु देवी, वार्ड 4 से नित्यानंद मलिक, वार्ड 5 से गौसिया परवीन, वार्ड 6 से मोहम्मद कमरुद्दीन, वार्ड 7 से सीमा कुमारी, वार्ड 8 से आनंद कुमार झा, वार्ड 9 से मधु देवी, वार्ड 10 से छुटकी कुमारी, वार्ड 11 से रंजू झा, वार्ड 12 से राम सखी देवी, वार्ड 13 से वैगनाथ सहनी, वार्ड 14 से गोलू कुमार साहू, वार्ड 15 से राजीव लोचन ठाकुर, वार्ड 16 से कंचन कुमारी, वार्ड 17 से देवकी नंदन ठाकुर, वार्ड 18 से संतोष कुमार झा, वार्ड 19 से समीना खातून, वार्ड 20 से शबनम परवीन, वार्ड 21 से मिथिलेश यादव, वार्ड 22 से चंदा चौधरी, वार्ड 23 से कुलसुम खातून, वार्ड 24 से योगी पासवान, वार्ड 25 से अंगूरी खातून, वार्ड 16 से इंदु देवी, वार्ड 27 से संतोष पंडित, वार्ड 28 से सरित दास, वार्ड 29 से सोनिया देवी ने जीत दर्ज की। मतगणना आज निर्धारित समय पर जो है शुरू हुआ है, खास करके आयाघाट, बहेरी, बेनीपुर, कुशेश्वर, कानपुर भी इन सभी मतदान केंद्रों पर मतगणना कक्षों में मतगणना कार्य अपने समय पर शुरू हो गया और रिजल्ट भी अब धीरे धीरे पन्ना शुरू हो गया। निकल जल्दी हम लोग चाहेंगे इसको समाप्त करके सभी जगह शांति व्यवस्था बनी हुई है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे मतगणना कर्मी भी अपना सही ढंग से कार्य वो तो सर कितने पर टेबल लगाए गए और कितने 133 मतगणना केंद्रों का जो है सो काउंटिंग हो रहा है और उसमें लगभग 150 हमारे मतगणना कर्मी लगे हुए हैं। प्रत्येक टेबल पर एक पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है और ये मतगणना कर्मी है और ऑब्जर्वर है और 150 के आसपास सारे कर्मी उसी अनुपात में हमारे पोलिंग। देखिए ये बाजार समिति के मुख्य द्वार जो प्रवेश द्वार है वहाँ से लेकर के जितना भी मतगणना केंद्र है सभी में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा पैदल गश्ती की भी प्रतिनियुक्ति की गई है ये मुख्य सड़क पर, ताकि आम लोगों का परिचालन किसी प्रकार का नहीं हो सके और साथ ही उन लोगों को चेक किया जा सके कि कोई आदमी मोबाइल या अनाधिकृत रूप से प्रवेश तो नहीं कर रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से अब तक मतदान हो रहा है। वार्ड सदस्य का रिजल्ट भी वार्ड 18 से न किस पद के लिए पार्षद पद के लिए किनसे टक्कर आपकी थी? हमारा टक्कर रंजना देवी। कितने वोट से जीते हैं आप? हम 146 वोट से जीते हैं। क्या कहेंगे उन मतदाताओं को जिन्होंने जिताया आपको? जो मतदाता हमको विश्वास किया है हम उनके साथ खड़े रहे।